الرحيم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين سبحان الله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صبر سکو کا ناز وہی دل کا چین ہے صبر و سکو کا ناز وہی دل کا چین ہے مظلوم ہو کے بھی جو شہ مشرقین ہے صبر و سکون کا ناز وہی دل کا چین ہے صبر و سکون کا ناز وہی دل کا چین ہے مظلوم ہو کے بھی جو شہ مشرقین ہے اور پوچھی متائے دامنے اسلام جب کبھی پوچھی متائے دامنے اسلام جب کبھی اسلام کہہ اٹھا میرا سب کچھ حسین شان اکبر دے بابے کی شان اکبر دے بابے دی ملوانے کیا جانے کی شان اکبر دے بابے دی جا ہند ولی سلطان تو پوچھ شان اکبر دے بابے دی جا ہند ولی سلطان تو پوچھ حضور صاحب زادگان کی نظر ایک نفیس سا انتخاب بھی ہے اور تھوڑا سا اس میں انقلاب بھی ہے کربلا کو بیان کرنے کے حوالے سے کی شان اکبر دے بابے دی جا ہند ولی سلطان تو پوچھ ہن جے تساں کدی آئے ہاں اس جملے دا مزہ نہیں لینا تے اس جملے دا مزہ پھر کراچی والے لے ہی نہیں سکتے
ईशान अकबर दे बाबे दी जा हिंद वली सुल्तान तो कुछ किने शेर भजेंदा है गिदड़ा नू ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਭਜਾਈਂਦਾ ਹੈ ਗਿਦੜਾਂ ਨੂੰ ਵੰਜ ਕਰਬਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਭਜਾਈਂਦਾ ਹੈ ਗਿਦੜਾਂ ਨੂੰ ਵੰਜ ਕਰਬਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛ जे शान हुसैन भी पूछनी है वंज सौम सलात अजान तो पूछ तारीख बिचारी की दसना है जे इज्जत हुसैन भी पूछनी है या अल्लाह दे कुरान तो पूछ या नबियां दे सुल्तान हुए ये यकीनन तसर्रुफ है साहिब मजार का और मेरे जिगरी यार एक जो मिसरा जुड़ा जानकी सरजमीन बड़ी सरजमीन है मैंने यूं समझा ये अता है और मैं ये जाते ही पेश कर दूं आप इस हवाले से इस पूरी कायनात में पहले लोग हैं इससे पहले ये चौबिसरा किसी ने नहीं सुना इसलिए कि ये लिखा भी गया मेरी गाड़ी वालों ने भी नहीं सुना तो बात और कोई कैसे सुन सकता है इसी जमीन पर है लेकिन मैं चाहता हूं आपकी नजर करूं बड़ी मोहब्बत के साथ कहते हैं केड़ा पाक अकबर दा बाबा है केड़ा पाक अकबर दा बाबा है आँख खोल आयत तत्हीर तो पुछ केड़ा पाक अकबर दा बाबा है आँख खोल आयत तत्हीर तो पुछ केड़े मंगे लालन जहरा दे केड़े मंगे लालन जहरा दे आ कुल नबियां दे पीर तो पहुंच केड़ा पाक है बाबा अकबर दा अख खोल आयत तत्हीर तो पुछ केड़े मांगे लालन जहरा दे आ कुल नबियां दे पीर तो पुछ जिस बंदे से जेने चो मंजर है इस दुबले दी कदर करे आ कुल नबियां दे पीर तो पुछ शाजी केड़ी औखी दीगर करबल केड़ी औखी दीगर करबल दी की बीती शाम दी गलियां विच केड़ी औखी दीगर करबल दी की बीती शाम दी गलियां विच इन्ना लफंगियां बलवाणियां नूं की इलम केड़ी औखी डिगर करबल दी किवें पीती शाम दी गलियां विच मैं तकरीर ना भी करां मेरा जुमला पूरा गुफ्तगू पूरी हो गई केड़ी औखी करबल केड़ी औखी डिगर करबल दी किवें पीती शाम दी गलियां विच या आबिद दी जंजीर तो पुछ या जैनब पाक हमशीर तो सनाए रब्बुल जलाल और हदीए दरूद व सलाम बहुजूर सरवर कायनात फख्र मौजूदात शाफे रोज़े जज़ा महबूब रब्बे उला जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिही व सहबिही वसल्लम पेश करने के बाद आज की
ये इंतहाई इफ्फत माफ तकरीब जो आस्तानी रस्मत निशान आस्ताना आलिया सिराजिया कुतबिया कादरिया माही शरीफ पर आका करीम अलैहिस्सलातो व तस्लीम के ख़ानदान आलीशान और बिलखुसूस इमाम अर्श मुकाम की बारगाह में सलामी और गुलामी पेश करने के लिए इनेकाद पज़ीर है। बंदा आज सबसे पहले इस महफिल पाक के मुंतज़िम आला मंबा अखलाक व अशफाक इंतहाई मुखलिस तरीन शख्सियत इल्मी और अमली हवाले से नमूने असलाफ हजरत किबला साहिबजादा मोहम्मद सुलेमान कमर कादरी दामत बरकातुल कुदसिया आपके भाइयों आपके ख़ानदान आलीशान और आप के बाप दादा और आपकी ज़ात से निस्बत रखने वाले हर सच्चे सुच्चे मुसलमान को दिल की गहराइयों से हदिया तबरीक अर्ज करने के साथ साथ इस दुआ में शरीक करने का शर्फ हासिल करता है कि रब करीम अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ख़ानदान आली शान की तहारतों का सदका हम सब के जाहिर को भी पाकीज़ा फरमाए हम सब के बातिन को भी पाकीज़ा फरमाए। और इससे बड़ी दुआ कोई नहीं मैं जो करने जा रहा हूँ कि मेरा मेहरबान रब अपनी मेहरबानियों का सदका और अपने महबूब करीम के हुस्न बेमिसाल की ताबानियों का सदका हम सबको आका पाक की हर निस्बत से वफा वाला काल भी नसीब फरमाए और हुजूर की हर निस्बत से वफा वाला हाल भी नसीब फरमाए। सामी चूंकि ये ऐसी खूबसूरत जगह है जहाँ से ज़ाहिरी उलूम का लंगर भी तकसीम हो रहा है बातनी उलूम का लंगर भी तकसीम हो रहा है और मैं ये कहूँ खुशामद की मुझे आदत भी नहीं मुझे आती भी नहीं मैं ये कहूँ तो मुबालगा नहीं होगा कि खानकाह का जो तसव्वुर तारीखी हवाले से उम्मत मुस्लिमा में पाया जाता है उस तसव्वुर को अगर अपने जोबन पे देखना हो तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तसव्वुर इस खानकाह से नजर आता है। जो लंगर बटने चाहिए एक फकीर के डेरे से जो खैरात मिलनी चाहिए एक दरवेश के आस्ताने से वो खैरात जारी और सारी है। कभी हुजरे में बैठ के वो लंगर बटता है और कभी स्टेज पे बैठ के वो लंगर बटता है। समझने वाले लोग मेरी बात समझ गए होंगे मैं बात के बहुत करीब जा रहा हूँ चूंकि इल्म बाबुल इल्म और मदीनतुल इल्म इनसे कमाल की निस्बत रखने वाली ये दरगाह है तो मैं भी इसी मुनासिबत को मद्देनजर रखते हुए आज आका पाक के खानदान आलीशान और बिलखुसूस इमाम आली मुकाम आपकी बारगाह में सलाम अकीदत पेश करने के लिए जिस मौजू को चुनने का मुंतखब करने का शर्फ हासिल कर रहा हूं वो मौजू ये है। बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं कि औलिया के अकवाल भी हमारे लिए दलील हैं ताबईन के फरामीन भी हमारे लिए दलील हैं सहाबा के फरामीन भी हमारे लिए दलील है और हदीस तो वाकयतन दलालत का आला तरीन मेयार रखती है। लेकिन एक बात मैं जान चुका हूं कि जिन्हें
मोहम्मद की काल मोहम्मद की आल से प्यार नहीं ना होता, उन बदबख्तों को मोहम्मद के काल से भी प्यार नहीं होता जिन्हें रसूल की आल की वफा नसीब नहीं, उन्हें मेरे नबी के काल की वफा भी नसीब। आप तो अल्हम्दुलिल्लाह वफादार लोग हो, आपको तो हर निस्बत का हया है। मैं चाहता हूं आज की इस नशिस्त में ऐसी अमानत पेश हो जाए कि जिस अमानत के बाद आल के गद्दारों को भी सोचना पड़े, मोहम्मद के काल के गद्दारों को भी सोचना पड़े। इसलिए मैं अपना इंतखाब बड़ा खास रख रहा हूं। आज मैं ताबेईन के अकवाल की तरफ भी नहीं जा रहा और औलियाए कामिलीन के फरामीन की तरफ भी नहीं जा रहा, सहाबा के पाकीज़ा फरमुदात की तरफ भी नहीं जा रहा। ये चक्कर न पड़े कि ये ज़ईफ़ है, कमजोर है, यूं है, यहां है, रिवायत है, दिरायतन क्या है, इस चक्कर में भी नहीं जा रहा। आज सिर्फ और सिर्फ एक नुक्ते पर रोक रहा हूं आपकी सोच को और नौकरी पेश कर रहा हूं। हसनैन करीमैन अली पाक जहरा पाक के बेमिसल खानदान को और बिलखसूस करबला के ताजदार को और सलामी पेश करते हुए अपनी हद मुकर्रर कर रहा हूं कि आज हुसैन बादशाह को मैं जितना भी सलाम पेश करूंगा, जितनी भी तारीफें उनकी अर्ज करूंगा, जितनी भी बुलंदियां इस पाक और बुलंद महफिल में अर्ज करूंगा, मैं हद बना रहा हूं इस दायरे में रह के करूंगा कि फरमूदात हिकायात रिवायात नहीं, सिर्फ और सिर्फ कुरान की रोशनी में हुसैन पाक के कसीदे क्या हैं और उन कसीदों के हवाले से हम मोहब्बत वालों के सुथरे अकीदे क्या। नाराए तकबीर, नाराए रिसाल, हुसैनियत, करबला का शाह हुसैन, लजपाल लजपाल, नबी की याद, नबी की याद। मैं ये नारा